guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. It's been so long since I have sit down and make any product video. So here I am with another product review. In this video, I'll be reviewing a toner which is from the brand Minimalist. It's their PHA 3% and Biotic Toner. This is a 150ml bottle and retail price for this toner is 399 rupees. I have put all the purchase link in the description box. If you are interested and if you are planning to buy, you can check that out. Also, I know I am super late in reviewing this product because I think this has launched last year, but I actually wanted to try this for at least 6 months. This product ke packaging ki baat karun, then I am not very impressed because this comes in a plastic bottle and I'm actually not fan of plastic. But who cares about packaging? Let's discuss its texture first. Ki agar main texture ki baat karun, to ye bahut hi water like iski consistency. As you can see, दिस इज़ अ वेरी वाटर लाइक कंसिस्टेंसी. कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेगरेंस नहीं है इसमें, एकदम ट्रांसपेरेंट है. हमने पैकेजिंग की बात कर ली, टेक्सचर की बात कर ली, अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंग्रेडिएंट. तो इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है PHA 3%. PHA क्या है एक्चुअली? हालांकि अगर आप गूगल करोगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन PHA या बायोटिक के बारे में पता चल जाएगी, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगी. PHA इज पॉलीहाइड्रोक्सिक एसिड, एक्चुअली अ केमिकल एक्सफोलिएटर. जैसे आपका स्क्रब होता है वो आपके फेस को एक्सफोलिएट करता है, ये केमिकल फॉर्म में है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने की. बट एक्चुअली जो आपका फेस स्क्रब होता है वो थोड़ा सा एब्रेसिव होता है, ये उतना एब्रेसिव नहीं होता है. यू नो व्हाट, PHA का बेस्ट पार्ट क्या है, क्योंकि ये आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डीप डाउन नहीं जाता है, जिस वजह से अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता है. अब ये जानना जरूरी है कि आपको PHA की जरूरत है या नहीं जरूरत है. PHA उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाहते हैं, या आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा स्टबन वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं जिनको आप यू नो स्क्रब से निकालते हो या वो जो टूल आते हैं उनसे निकालते हो बट निकल नहीं पाते, तब आपको PHA अपनी स्किन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. और इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3% PHA है, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट इफ़ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग PHA फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर स्किन. अगर आप मेरे वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं और आप अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन. PHA के अलावा इसमें है बायोटिक. बायोटिक इसमें दो फॉर्म में अवेलेबल है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक. बायोटिक आपकी स्किन के लिए क्या करता है, यह आपकी स्किन की जो नेचुरल हेल्थ है और जो ब्यूटी है उसको रिस्टोर करता है. एंड दिस प्रोडक्ट क्लेम्स दैट दिस हैज नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, दिस इज कम्प्लीटली कलरलेस, ओडोरलेस, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस आपको नहीं मिलेगी. उसके अलावा इसमें कोई पैराबेन, सिलिकॉन या एसेंशियल ऑयल्स कुछ भी नहीं है. दिस इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल दी केमिकल्स. दिस टोनर इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड दिस प्रोडक्ट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, तो मेन विमेन दोनों इसको यूज कर सकते हैं. उसके अलावा इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, दिस टोनर इज फॉर AM एंड PM. आप AM PM दोनों में इसको यूज कर सकते हो. क्या करो, या तो कॉटन पैड, मतलब वंस यू हैव क्लीनड योर फेस विद फेस वॉश, या तो आप इसको अपने पाम में लेके टैप टैप मोशन में लगा लो, या फिर आप इसको कॉटन से लेके अपने स्किन पे लगा सकते. इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स वेट कीजिए बिफोर लेयरिंग अप एनी अदर प्रोडक्ट, क्योंकि ये 10 मिनट लेता है स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए. एंड दिस प्रोडक्ट हैज़ PHA, तो अगर आप इसमें कोई और एसिड अपने स्किन पे लाइक लगाते हो, जैसे वाइटामिन सी या नियासिनामाइड या हाइलोरोनिक एसिड या कुछ भी, तो प्लीज़ बी वेरी श्योर बिकॉज दिस हैज़ PHA. ऑल्दो दिस इज कम्प्लीटली सेफ प्रोडक्ट, बट स्टिल यू नो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, तो यू नो इट्स गुड टू वेट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स. अब इसके बारे में हमने पूरी रामायण तो जान ली, अब बात करते हैं कि ये कितना यूजफुल है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लेम्स वर्सेस रिजल्ट. तो ये क्लेम क्या करता है, ये क्लेम करता है, क्योंकि इसमें PHA है, तो ये क्लेम करता है कि आपके स्किन से स्टबन जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है. ये करता है डेफिनेटली, आपकी स्किन में आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखता है, बट यू हैव टू वेट फॉर 2-3 मंथ्स. और इसको लगाने से कोई यू नो ऐसी कोई पीलिंग नहीं होती है आपकी स्किन. डेफिनेटली डेड स्किन जो है वो रिमूव होती है, बट उस वो कोई पीलिंग से आपको विजिबल नहीं होगी, तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं. एंड इसके अलावा ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और पोर साइज को रिड्यूस करता है. मुझे मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन तो डेफिनेटली फील हुआ, बट पोर साइज को रिड्यूस करता है ऐसा मुझे क्लेम इसका मतलब ऐसा कुछ विजिबल नहीं दिखा कि जो पोर साइज को रिड्यूस किया. सो दिस टोनर हैज़ यू नो कैपेबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग ऑल इट्स क्लेम अपार्ट फ्रॉम दिस पोर साइज. एंड टू सम अप दिस वीडियो, शुड यूज दिस टोनर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ केमिकल एक्सफोलिएटर विच कैन रिड्यूस योर वाइट हेड्स, गो फॉर इट. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टोनर विच हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज योर स्किन, गो फॉर इट.
And who should skip this product? If you are having oily skin, skip this product because you know this toner is very, very moisturizing and hydrating. So if you are oily skin type, your skin might not like this. If you use toner for double cleansing process and you know if you want to get that refreshed and clean feeling, then this toner is not going to give you that feel. This is it for today's video. I hope you have liked this video. If you do, don't forget to subscribe to my channel. Like this video, share this video, keep on watching, keep on supporting. Till then, take care and bye-bye.